हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है माई यूएक्स डिजाइन मास्टर यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन यूआई एंड यूएक्स। इसके 7 पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में ग्राफिकली माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप ग्राफिक्स के जरिए यूआई यूएक्स का टिप्स नंबर 1 में ये जानेंगे, और सेकेंड नंबर में जो पॉइंट है आप इस तरह के बारे में जानेंगे, थर्ड पॉइंट में ये जानेंगे, फोर पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट और सेवन पॉइंट्स को डिटेल में आपको यूआई यूएक्स डिफरेंस के बारे में टॉपिक्स में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हमारे चैनल पर ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आया है, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था और मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपको वीडियो मैं ये पब्लिश कर रहा हूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन में बता देता हूं कि डिफरेंस क्या होता है यूआई और यूएक्स में। तो आप देख रहे हैं कि व्हाइल देयर इज ए लॉट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन यूआई डिजाइन एंड यूएक्स डिजाइन, देयर आर ऑल्सो सम की डिफरेंसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि यूआई यूएक्स में बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल पे यूआई और यूएक्स दोनों टॉपिक्स को इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन आपको शायद ये डिफरेंस पता नहीं है कि यूआई बहुत ही छोटा पार्ट है, जबकि यूएक्स काफ़ी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइन के सॉल्यूशन को सॉल्व करता है, और इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जिसमें सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यूआई और यूएक्स का टिप्स नंबर 1 में आप देखेंगे कि यूआई के जो पार्ट होते हैं उसमें इंक्लूड होता है जैसे कि बटन्स, कंट्रोल एंड इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी बटन अगर एक्शन लेना होता है नेविगेट करके, या कोई प्रोसेस करना होता है, चाहे वो कैंसिल बटन हो, सबमिट बटन हो, या आप क्लोज बटन हो, तो ये बटन्स अलग अलग कंडीशनल होते हैं उनके कंसेप्ट के हिसाब से। और टूगल बटन भी आप देख सकते हैं कि यूआई का पार्ट होता है, जिसमें आप कंट्रोलिंग जैसे कि नोटिफिकेशन को आना, नोटिफिकेशन को रिसीव करना और इसे क्लोज करना, और किसी भी वाईफाई को ऑन करना, ये सारे चीज़ें जो हैं कंट्रोलिंग के माध्यम से हम किसी भी एप्लीकेशन में ये कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे नेक्स्ट एरो, सेटिंग का मेनू आप देखते होंगे, टेक्स्ट आप राइट करते होंगे। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये विजुअली पार्ट्स जो होते हैं, ये यूआई का पार्ट होते हैं। और सेकेंड नंबर पर अगर मैं बात करूँ यूएक्स का, तो यूएक्स के पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूएक्स इंक्लूड द वे ए यूजर इंटरेक्शन विद द डिज़ाइन, द यूजर फ्लो एंड द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द वेबसाइट और ऐप। तो आप यूएक्स डिज़ाइन के माध्यम से देख रहे हैं कि ये इंटरेक्शन है, कि किसी भी पेज पे कोई भी अगर एक्शन लेना है तो एक्शन लेने के लिए हमें किसी भी बटन पे एक्शन लेते हैं तो उस पे किस पेज पे हमें नेविगेट करना है और उसमें नेक्स्ट जर्नी हमारा क्या होगा, ये यूएक्स के टॉपिक्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो यूएक्स जो है आपके कोई भी अगर एप्लीकेशन का प्रोसेस या पेमेंट गेटवे, या आप शॉपिंग करते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन जो होता है वो होता है आपका यूएक्स जर्नी से, और ये यूएक्स जर्नी जो है यूएक्स के टॉपिक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो यूएक्स के टॉपिक्स में जो वायर फ्रेमिंग का जो इंटरेक्शन होता है पेज टू पेज, ये आपका यूएक्स के टॉपिक में काउंट किया जाता है। सेकेंड टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो यूआई में आप देख सकते हैं कि एक विजुअली है, और एक आप यूएक्स में देख सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली है, जो कि बहुत सारे आप कस्टमर देख रहे हैं आइकनोग्राफी के माध्यम से यहाँ पे बता रहा हूँ। और विजुअली अगर देखा जाए तो यूआई डिज़ाइन फोकस ऑन द लुक्स एंड फील ऑफ द डिज़ाइन। कोई भी एप्लीकेशन का अगर यूजर इंटरफेस देखते हैं, चाहे तेज जो कि गूगल पे है, या अमेजोन है, पेटीएम है, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसका विजुअली लुक एंड फील आप देखते होंगे और काफ़ी ही उसे इम्प्रेस होते होंगे, तो ये यूजर यूआई डिज़ाइनर का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। दूसरी पॉइंट अगर यूएक्स की बात करूँ तो कोई भी एप्लीकेशन को अगर यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन में चाहे परचेजिंग करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं,
तो इसके बाद आपका एक फीडबैक आता है कि ओवरऑल आप किसी इस टास्क को कंप्लीट करने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप क्या फीडबैक इंटर करना चाहते हैं, मैसेज छोड़ना चाहते हैं। तो ये ईवेक्स का पार्ट होता है, जो कि आप देख रहे हैं कि ईवेक्स डिजाइन फोकस ऑन द पीपल हु विल एक्चुअली बी यूजिंग द डिजाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी ईवेक्स जो है हेल्प करता है। उसके बाद थर्ड अगर टॉपिक की बात करूं तो एक ईवाई टॉपिक है और ईवेक्स टॉपिक है। ईवाई में आप देख रहे हैं कि पेज का जो लेआउटिंग है, आप कलरफुल देख रहे हैं, लेफ्ट वाला जो वायर फ्रेमिंग है, राइट वाला वायर फ्रेमिंग है, तो लेफ्ट वाला एक विजुअल लुक है जो कि रियल एक्सपीरियंस यूजर को प्रोवाइड करता है और कैसे लुक एंड फील आपके वेब साइट का या मोबाइल साइट का दिखना चाहिए, ये वर्क जो होता है ईवाई डिजाइनर का होता है। तो ईवाई डिजाइन क्रिएट फिनिश पॉलिश डिजाइन, तो ईवाई डिजाइन का काम होता है डिजाइन को फिनिश करना और उसे पॉलिश करना, मतलब कि उसे इंटैक्टिव बनाना, ये काम ईवाई डिजाइनर का होता है। जबकि ईवेक्स डिजाइनर का वर्क होता है किसी भी अगर आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो टेस्टेबल, यूजेबल और प्रोटोटाइपिंग के माध्यम से उसे टेस्ट किया जाता है कि ये रियल में फंक्शनली यूजर फ्रेंडली वर्क कर रहा है फंक्शन या नहीं कर रहा है। अगर नहीं है तो किस पॉइंट पे हमें उससे टेस्टिंग के हिसाब से, यूजिबिलिटी टेस्टिंग के हिसाब से इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये आपका वायर फ्रेमिंग का जो इंट्रैक्शन होता है पेज टू पेज, ये ईवेक्स के अंतर्गत आता है और इसे इंक्लूड किया जाता है इस टॉपिक को। उसके बाद फोर पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लेआउट का, और ईवेक्स का मतलब होता है कि कौन से पेज या कोई भी चीज़ें कहाँ पे होना चाहिए, किस पोजीशन पे होना चाहिए जो यूजफुल हो और यूजेबल हो यूजर के लिए। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट है पूरे पेज का और इंटरेक्शन का, जबकि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं उनके विजुअली और हायरार्की दिखाया गया है। तो यहाँ पे यूआई डिजाइनर की अगर बात करूँ तो यूआई डिजाइनर्स वर्क्स ऑन इंडिविजुअल पेजेज एंड इंटरेक्शन। यूआई डिजाइनर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पेज वाइज पेज जो है से डिजाइन या सेक्शन वाइज सेक्शन डिजाइन करता है एज ए इंटरेक्शन माध्यम के थ्रू। उसके बाद ईवेक्स की बात करूँ तो ईवेक्स डिजाइन वर्क ऑन द ओवरऑल यूजर फ्लो ऑफ ए साइट और एप एंड हाउ पार्ट्स फिट टुगेदर। तो मल्टीपल सारे सिनारियों होते हैं, उस सिनारियों में ईवेक्स डिजाइनर का वर्क होता है कि कौन सी सिनारियों किस सीक्वेंस के बाद आना चाहिए, ये जो है ईवेक्स का रोल होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करूं तो फिफ्थ पॉइंट में आप ईवाई इंक्लूड्स एन आर्टिस्टिक कंपोनेंट। ईवाई यूजर इंटरफेस जो डिजाइन करते हैं उन्हें बहुत सारे चीज़ें दिखाना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं वायर फ्रेम में इंक्लूड नहीं होता है, जो कि आपकी ग्राफिकली जो प्रोडक्ट को इमोशनल बनाने के लिए, कस्टमर के लिए इमोशनल बनाने के लिए कुछ ग्राफिकल चीज़ें, आइकनोग्राफी, एलस्ट्रेशंस या बहुत सारे चीज़ें हमें एप्लीकेशन में यूज करना होता है जो कि एक्स्ट्रा होता है, जो कि वायर फ्रेम में यूज नहीं होता है। और वो चीज़ें हमें इंट्रैक्टिव बनाने के लिए, डिजाइन को विजुअली लुक प्रोवाइड करने के लिए और कस्टमर को एक्सपीरियंस को और इंक्रीज करने के लिए ये एलस्ट्रेशंस और आइकनोग्राफी और कलर टाइपोग्राफी का यूज किया जाता है। जबकि ईवेक्स की अगर पार्ट की बात करूं तो ईवेक्स में फोकस मोर ऑन द फंक्शनलिटी एंड पर्पस ऑफ द डिजाइन। जैसे कि बहुत सारे डिजाइन अच्छे भी होते हैं लेकिन फंक्शनली वर्क नहीं करते हैं, या आप मान लीजिए सपोज दैट आप पेमेंट करने जा रहे हैं, पेमेंट करने के बाद वो फंक्शन सारे स्टेप सही चला जाता है यूजर टास्क के हिसाब से, लेकिन लास्ट में वो कहीं फेल हो जाता है या कहीं पे यूजर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, जिससे यूजर को पता नहीं चलता कि नेक्स्ट फेज में हमें किस बटन को या कौन सी एक्शन लेना है जिससे हमारा टास्क कंप्लीट हो। तो ये जो है ईवेक्स में इंक्लूड किया जाता है, ईवेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फंक्शनलिटी पे ध्यान देना होता है। उसके बाद सिक्स पॉइंट में आप देख सकते हैं ईवाई और ईवेक्स में डिफरेंस कि ईवाई डिजाइनर फोकस ऑन क्रिएटिंग ए डिजाइन दैट इज अट्रैक्टिव। यूआई डिजाइनर पता है आपको कि मोस्टली जो है इंटरेक्टिव और ब्यूटीफुल
और नाइस प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आप पहले वाले पेजेज में और स्क्रीन्स में मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग बटन, कलर थ्योरी, इलस्ट्रेशंस, टाइपोग्राफी, लेआउटिंग, ये सारे चीज़ें जो हैं ईवाई का पार्ट होते हैं, जो कि सारे पॉइंटों को मिला करके अगर कहा जाए तो ये एक इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं उनके माध्यम से। और UIUX डिज़ाइन की अगर बात करूं तो UIUX डिज़ाइनर्स फोकस ऑन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। UIUX डिज़ाइनर मोस्टली जो फोकस करते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी एप्लीकेशन न्यू आते हैं तो बहुत सारे फीडबैक और बग्स होते हैं, उस फंक्शनैलिटी को और यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उस फीडबैक को रिजॉल्व करने के लिए UIUX के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा जो है UIUX का पार्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे UI डिजाइनर का रोल है। UI डिजाइन इज ऑफन बेस्ड ऑन पैटर्न इस्टेब्लिश्ड बेस्ट प्रैक्टिस एंड पर्सनल प्रेफरेंस है। जैसे कि UI डिजाइनर में हमेशा आप देखे होंगे कि मटेरियल डिजाइन, जो कि एंड्रॉयड का डिजाइन है, विंडोज़ का डिजाइन है, या आप एप्पल का डिवाइस का डिजाइन देखते होंगे, हमेशा डिजाइन का कुछ ना कुछ हर प्रत्येक ईयर कुछ ना कुछ चीज़ ट्रेंड में आते रहता है, और उस ट्रेंड के हिसाब से हमें एज ए यूजर फ्रेंडली हमें डिजाइन को अपडेट करना होता है और लेटेस्ट डिजाइन के पैटर्न को प्रोवाइड करना होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हर यूजर जो होते हैं इस यूजर के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें उन्हें एक न्यू ट्रेंडी डिजाइन क्रिएट करके उन्हें प्रोवाइड करना होता है। और UIUX की अगर बात करूं तो UIUX डिजाइन इज ए मोस्टली डेटा ड्राइवेड। आप UIUX जब भी क्रिएट करते हैं तो आपको ये थिंकिंग पावर होना चाहिए कि जो भी डेटा है वो कैसे डेटा हमें API से कॉल होकर के आएगा और कैसे उसे किस पोजीशन पे और कैसे यूजर को हमें प्रोवाइड करना है और क्या मैसेज देना है, ये सारे चीज़ें जो हैं वो UIUX के पार्ट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे थे UIUX के 7 टिप्स और ट्रिक्स मैं बता रहा था आपको कि क्या डिफरेंस है, और ये वीडियो आपको काफ़ी ही हेल्पफुल हुआ होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और मेरा एक न्यू UI किट आप Behance और UI8.net पे देखेंगे, जो कि बार्बर सैलन और स्पा से रिलेटेड बार्बर शॉप UI किट मैंने बनाया है, जो कि आपको इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। और ये हमारे हर पोर्टफोलियो में आप उस UI किट टेम्पलेट को देख सकते हैं। इसमें 50 स्क्रीन्स हैं और इसके लिए मैं आपको YouTube पे वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि इसके बाद एक दो वीडियो के बाद आपको लेटेस्ट वीडियो जो है उस UI किट के बारे में, टेम्पलेट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।